जिले में कोरोना का विस्फोट का खतरा, कल सभी जज्सी के चीफ जस्टिस से बात करेंगे CGI। जिस इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट के डेट के दावे पर बंगाल में बवाल। बिहार के अस्पताल में फर्श पर मरीज का इलाज, वायरल वीडियो की यही है सच्चाई। दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में 24 घंटे होंगे कोरोना के रिपोर्ट एंटीजन टेस्ट। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राजस्थान सरकार का सख्त लॉकडाउन किया ऐलान। देश भर में अचानक बदला मौसम, इन 15 राज्यों में आज बारिश का संभावना है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे बन सकते हैं शिकार। बंगाल बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने सुनाए आप बीती, जिसके गैंगरेप का TMC पर लगाया था आरोप। सपा नेता विनोद कुमार सिंह का कोरोना से निधन, प्रयागराज के अस्पताल में ली अंतिम सांस। निवेदा के वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन, कोरोना के चल रहा था इलाज। कोरोना से एक और बीजेपी विधायक की मौत, दल बहादुर कोरी का हुआ निधन। यूपी में बिल न देने पर कोरोना मरीज का जीव को हॉस्टल से बनाया बंधक, बाद में आधे पैसे लेकर सौंपा बॉडी। आज का दिन यूपी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में 2000 लोगों की मौत का दावा। नेवाडा 48 घंटे में ऑक्सीजन का प्लांट तैयार, इटली ने की मदद, 100 बेड के मिलेगी सप्लाई। मिशन संजीवनी होम क्वारंटाइन, लोगों के घर पर मिलेगा दवा, जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने दी दस्तक। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच मदद के आगे आए विराट, अनुष्का बोले एक साथ जीतेंगे जंग। हरियाणा में कोरोना के 14,840 नए केस, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले आए सामने। कोविड 19 के भारत में पिछले 24 घंटे में अब तक के मामले 414,188 नए केस सामने आए हैं, 4,515 की मौत हुई है। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण का रिकॉर्ड, 15,126 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन घोषित, CM ने कहा कि 15 मई तक सब कुछ पूरी तरीके से रहेगा बंद। सीतापुर गांव में तेंदुए के घुसने से हड़कंप, हमले में एक युवक हुआ घायल।
सीतापुर गांव में तेंदुए के घुसने से हड़कंप, हमले में एक युवक हुआ घायल। कोई आराम नहीं, दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ते लाशों के बोझ से जूझ रहे शमशान घाट कर्मी। कानपुर पुलिस ने जरूरतमंदों के लिए शुरू किया ऑक्सीजन बैंक, मुफ्त में भरवा सकेंगे सिलेंडर। प्रतापगढ़ गेहूं किरण हटाने को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री सचिव कुछ अधिकारियों से की शिकायत। किसान का गेहूं लेने के बजाय व्यापारी को दिया जा रहा है फर्जी तरीके से गेहूं। बाबा वैद्यनाथ धाम क्षेत्र का किरण का मामला है।